छात्र छात्राओं को सूचित किया जाता है, जैसे कि हमने आपको पहले ही बता चुके हैं और अब दोबारा फिर दोबारा बताने की कोशिश करेंगे। जो छात्र छात्रा छात्रवृत्ति का फॉर्म जो भर रहे हैं उसमें बहुत ही कठिनाई आ रही है छात्र छात्राओं को, तो उसमें जो है आपका पहले नंबर पर मोबाइल नंबर जो आधार कार्ड से लिंक है वो रजिस्टर्ड होना चाहिए, और आपका जो खाता है वो NPCI का मतलब होता है नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, यह एक सरकारी खाता है, उससे आपका खाता सीट कर दिया जाता है। यह एक गवर्नमेंट खाता है जिससे आपका खाता लिंक कर दिया जाता है, उसके बाद आपको छात्रवृत्ति का फॉर्म भरा जाता है। जो छात्र छात्रा छात्रवृत्ति का पात्र है या छात्रवृत्ति भरना चाहता है, वह छात्र को दो बातें बहुत ज़्यादा ध्यान रखनी है, एक तो आपके आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए और दूसरा है NPCI खाते से आपका खाता लिंक होना चाहिए। जब आपका खाता NPCI से लिंक हो जाएगा तो आपको छात्रवृत्ति फॉर्म भरने में कोई भी परेशानी या समस्या नहीं आएगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।